वेलकम बैक ऑल मी एंटरटेनमेंट वंस अगेन अल तवक्कुल गुड फार्म पर, और मेरे साथ है सैफ भाई और मुबारक भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक भाई, ये हमारा दूसरा वीडियो है जो पहले वीडियो से। इस वीडियो में हम क्या अलग चीज लेकर आए? सो ये वीडियो में जो है, जो पहले वीडियो में हमने देखा था कि अबाउट 60 केजी के जो बकरे थे, अब ये वीडियो में जो है बिलो 60 केजी, मतलब 40 से लेके 60 किलो के बीच के सब बकरे। ओके, हम पहले ही लोगों को बता दें कि ये उसका प्राइस रेंज जो है वो क्या रहे? 450 रुपीज पर केजी। वजन कीजिए 450 के हिसाब से बकरा लीजिए। चलिए, तो हम पहले कुछ बकरे दिखाएंगे, बताइए इसके बारे में। ये जो है दो दांत का है, मक्की छीना है, 55 से 60 किलो का होगा। 55 से 60 किलो का होगा। कितना हाइट होगा इसका अंदाज? इसका हाइट 35। ओके, दो दांत पर ना 55 to 60 केजी, हम 60 केजी पकड़ के चलते हैं, 26,000 के अराउंड रहेगा। बराबर 26,000 में एक अच्छी क्वालिटी में। हाँ, पहले बकरे में, पहले लॉट में जो क्वालिटीज थी, इसमें भी कोई फर्क नहीं है? सिर्फ वजन क्वालिटी सेम है, सिर्फ वजन का फर्क है दोनों में। सिर्फ वजन का फर्क। चलिए माशाल्लाह, तो ये मक्की छीना कलर में है और माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। कम से कम रहेगा इस लॉट में हमारे पास वजन 40 किलो तक। 38-40 केजी तक का है ये बकरा। ओके, पिंक में है, फुल पिंक में सोजत है, प्योर पिंक मार्बल पूरा। वो होगा 48-50 के आसपास, ये होगा 55-58-60 के आसपास, यही रेंज के सब बकरे हैं। वो तो भाई काटा कराना है अपने को, वेट कराना है और वेट करके ही देना है। ये क्वालिटी दिखाएंगे हम, सारे बकरे दिखाएंगे, बकरों का रेंज दिखा रहे हैं ताकि ऑडियंस को क्या अंदाजा आ जाए कौन सी साइज के बकरे हैं यहाँ पे। किलो भी है और रेट में कम है, लेकिन सारे सो जाती है, सारे सो जाती है, व्हाइट में, पिंक स्किन में और माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इनको। चलिए, तो मुबारक भाई हम बात करेंगे आगे और बकरे भी दिखाते हैं। कितने हैं इसमें हमारे पास टोटल? ये जो है 60 बकरों का लॉट है। 60 बकरों का लॉट है। हम जिसको अगर कोई मुबारक भाई साथ में ले रहा है, प्राइस में नेगोशिएबल होगा? नहीं, प्राइस ज्यादा ले रहा है 20-30। प्राइस में नेगोशिएबल नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर देगा। ओके, अगर ज्यादा बकरे लेगा तो। ओके मुबारक भाई, थोड़ा अल तवक्कुल गुड फार्म की टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई हमसे बकरा खरीदता है, हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि पेमेंट कितना देना पड़ेगा? पेमेंट जो है बुकिंग अमाउंट पे आप 50% पे कर सकते हैं और बाकी का जो अमाउंट रहेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जब यहाँ से फार्म बकरे से बकरा जब निकलेगा यहाँ से, तो बाकी का पेमेंट करना। वी हैव वेट ऑन डिलीवरी, जो भी दोनों स्कीम है, वेट ऑन डिलीवरी भी है और पर डे 100 रुपीज चार्जेस भी है। ओके, वेट ऑन डिलीवरी पर अगर आपका बकरा जो है बुक किया हुआ, उसको जब आप बेचोगे, लेके जाओगे, तब वजन करना है, जो डिफरेंस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, जिस दिन खरीदा हुआ है आपने उस दिन का और जिस दिन लेके जा रहे उस दिन जो वजन रहेगा उसके हिसाब से। उसमें पलाई जो है टिल फ्री रहेगी, कोई पलाई नहीं रहेगी वेट ऑन डिलीवरी पे। दिस इज वन थिंग। ओके, सेकंड ऑप्शन है कि हम पलाई लेंगे 100 रुपया पर डे, ठीक है ना? ओके, हम फीड में क्या चीज मतलब में देते हो खाना? सो खाने में हम लोग गवार भूसा है, तुअर भूसा है, और अनाज में मक्का है, जौ है और बाजरी है, ये तीन चीज दे रहे हैं। और हमारा चिलीटेड फोर्टे का जो आता है U52 है और ऑस्टोवेट जाता है, ये दो चीज हम लोग। ओके माशाल्लाह। हमें लोगों को एक चीज बताऊं कि कुर्बानी के लिए आप बकरा खरीद रहे हो, जानवर खरीद रहे हो, तो सबसे बेस्ट चीज है एक कि आपका जानवर खुश रहना चाहिए, जहाँ पर भी रहे, जितने दिन रहे, आपको आपका जानवर जो है खुश रहना चाहिए। यह तवक्कुल गोट फार्म जो है एक अच्छा प्लेस है, एटमोस्फियर एम्बियंस जो है काफी अच्छा है माशाल्लाह। आप यहाँ पे आपका बकरा छोड़ सकते हैं ईद तक, आराम से आपका जानवर खुश रहेगा, अच्छे से रहेगा। सारे बकरे इस लॉट में भी खसी है ना? सारे बकरे खसी। ओके, मुमर भाई एक चीज बताएंगे हम, जैसे कि सूरत के लोग हैं, हमारे मुंबई के लोग हैं, तो ये दोनों के बीच में हमारा फार्म है, ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट के लिए जो है
बकरी ईद के 5 दिन पहले ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और एकदम नॉमिनल चार्जेस रहेगा, चाहे बॉम्बे में ट्रांसपोर्ट करना हो या चाहे सूरत अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट करना हो, जो भी ट्रांसपोर्ट रहेगा वो रोडवेज के थ्रू होगा, क्योंकि अपना फार्म जो है हाईवे एकदम टच है, तो अपने को वो चीज पे थोड़ी डिफिकल्टीज नहीं है। ओके मुबारक भाई, जैसे कि मैं पूछूं एक सवाल कि हम लोग कम से कम कब तक बकरा रखेंगे? सो अगर डिलीवरी जो है अलतवक्कुल गोट फार्म कर रहा है तो 5 दिन पहले आप अपना बकरा मंगा ले। अगर आप खुद यहाँ पे आके पिक करने आ रहे तो ईद के दिन भी आके आप लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, मोर्टालिटी पे हम कुछ नहीं दे रहे। ओके, एक और चीज थी कि कुछ एक्सचेंज वगैरह। हाँ, एक्सचेंज में भी ऐसा है कि अगर किसी ने बुक कर लिया है, ठीक है, और वो आके देख रहा है, या फिर 2-3 दिन के टाइम के अंदर अगर उसको एक्सचेंज करना है सेम लॉट में से, तो वो पॉसिबल है विदिन थ्री डेज में, बट फार्म में ही बकरा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर लेके गया वापस से वो पॉसिबल नहीं। ओके मुबारक भाई, दूसरी एक और चीज पूछनी थी कि जैसे कि बकरा बिकता है, इनमें से हमारे कुछ बकरे बिके हुए हैं? नहीं, अभी इनमें से कुछ नहीं, इनमें से नहीं, लेकिन अदर्स में कुछ बकरे बिके। हाँ, तो उसमें जो आपने जो चीज बनाई हुई है, पूरा सिस्टम बनाया, उसके बारे में बताइए, कैसे पता चलेगा? सो उसके ऊपर ऐसा है कि जो भी बकरा बिकेगा उसको एक ब्लैक कलर का बेल्ट बांधेंगे, और जैसे हम लोग एक रिसिप्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मैं जस्ट आपको अगर शोकेस कर सकता हूं, दिखाएं। सो अगर आप ये देखोगे, किसी कस्टमर्स की है जिसके अंदर उसके फोटोज है और बाकी की डिटेल है। तो ये अच्छा सिस्टम है, और बेल्ट रहेगा, बेल्ट पे नंबर रहेगा, आपके रिकॉर्ड में भी रहेगा, उनके रिकॉर्ड में रहेगा कि ये नंबर का बकरा आपका। बिल्कुल। ओके, और फोटो के साथ रहेगा, वजन कीजिए और लेके जाइए। चलिए, तो ये एक अच्छा सिस्टम है। बताएं हम लोगों को कि सूरत के लोग और मुंबई के लोगों के लिए अलतवक्कुल गोट फार्म एक अच्छी जगह है, जहाँ पर आप खसी बकरे अपने कुर्बानी के ले सकते हो और यहाँ पे ही छोड़ सकते हो। टिल ईद वेट ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, और 100 रुपया पर डे वो भी अवेलेबल है, तो जिसको जिस तरह से भी चाहिए वो ले सकते हैं। ऑनलाइन की बात करेंगे हम, ऑनलाइन में जो बेचेंगे तो ऑनलाइन में पूरा पेमेंट करना होगा इस साथ में? हाँ, पेमेंट जो रहेगा भाई वो बिफोर डिलीवरी अपने को पूरा पेमेंट तो करना रहेगा, और एट द टाइम ऑफ बुकिंग जैसा मुबारक भाई ने बताया 50% पेमेंट अपने को करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो 40 केजी से लेके 60 केजी तक ये लॉट में बकरे, लॉट नंबर 2 है, सेम क्वालिटी के अलहमदुल्ला फुली वैक्सीनेटेड बकरे हैं, डीवॉर्मिंग से लेके FMD से लेके सारी वैक्सीनेटेड बकरे हैं, और पूरे अपने क्लाइमेट में सेट है, तो बकरी तक जैसे बारिश पानी का टाइम है, रखने को लेके बीमारी को लेके बहुत आदमी परेशान होता है, तो यहीं पे एटमॉस्फेयर में सेट है, तो इंशाल्लाह वो भी परेशानी जो है वो अपने कस्टमर्स को नहीं होगी। सिर्फ भाई एक ऐसी चीज बताइए कि सिर्फ एक ही रीजन कि क्यों लोग अलतवक्कुल से बकरे खरीदे? भाई बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी और वैक्सीनेटेड बकरे अपने को मिलेंगे, उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती भी नहीं है आदमी को। हाँ, एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि भाई अपने बच्चे बकरे जो है वो ईद तक सलामत रहे, अच्छे प्राइस में मिल जाए, अपनी कुर्बानी बस अल्लाह कबूल कर ले। बिल्कुल, चलिए, तो माशाल्लाह अलतवक्कुल गोट फार्म आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो दोनों स्टेट के बीच में बॉर्डर पे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आपको कहीं से भी हो, आप मुंबई से हो, आप सूरत से हो, आप वापी से हो, तो आप यहाँ आइए, बकरा देखिए, आपका बकरा यहाँ छोड़ के भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप बुक करके भी जा सकते हो, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो है पूरा बाय रोड किया जाएगा। हाँ, बाय रोड मिनिमम चार्जेस रहेगा, वो हाँ, ज्यादा नहीं है, बस जो एक्चुअल आएगा भाई, हमारी कोशिश है कि जो भी एक्चुअल चार्ज मिनिमम टू मिनिमम हो उसके अंदर पहुंच जाए। किसी को भी बकरा कहीं भी मंडी से या कहीं से भी लेके जाता है तो एक नॉमिनल चार्ज लगते ही है, अपन भी कोशिश करेंगे कि वो वैसे ही चार्जेस के अंदर लोगों के पास बकरे पहुंच जाए। ओके चलिए शिव भाई, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे। 450 रुपीज पर केजी है, नो नेगोशिएबल फिक्स रेट है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ आइए, देखिए क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और सारे खूबसूरत वैक्सीनाइज बकरे, पिंक स्किन सब कुछ है, बड़े भी है, छोटे भी है, वी हैव समांडू वर्स आल्सो सी।
हाँ भाई उसका एक वीडियो उसका एक, हाँ, उसका एक लेकिन आलू लवर्स के लिए भी हमने कुछ रखे हैं के लिए भी है और बजट फ्रेंडली गोट्स भी है, बड़े थोड़े हैवी बकरे भी है, माशाल्लाह अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।